हमने पूरा लेसन पढ़ लिया, सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई, तो अब हमें मिलेगी वर्कशीट। अभी हम मैं वर्कशीट की आपको डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ, आपको सारा आंसर लिखना है और मैं इसके साथ आपको पीडीएफ फाइल भी भेज रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन वन, नेम द फॉलोइंग। ये सारे क्वेश्चंस हमने अभी सिमिलर नहीं है, लेकिन हमने इस तरीके के क्वेश्चंस की अभी एक्सरसाइज सॉल्व की। एनी टू हार्डवेयर डिवाइसेस, हमें हार्डवेयर डिवाइसेस लिखने हैं। एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, यानी कौन से हैं सीपीयू के कंपोनेंट, कौन से हैं? एएलयू, एमयू एंड सीयू, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, उनमें से दो आपको लिखने हैं। फिर एनी टू टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, एनी टू टाइप्स ऑफ स्कैनर, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। फिर क्वेश्चन थ्री, वो क्या है? मैच द कॉलम, हमें इनपुट डिवाइस कौन से है इसमें से वो सिलेक्ट करना है कि माउस है। फिर आउटपुट डिवाइस क्या है वो सिलेक्ट करना है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, ऐसे करके मैच द कॉलम्स करनी है। और क्वेश्चन नंबर फोर, वो क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट करना है कि ये सही है या गलत। जैसे कि एन इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट्स इन इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये सही है या गलत? सही है, यानी आंसर इज ट्रू। ऐसे करके ये सारे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे।